पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7 पैसों और 5 पैसों की गिरावट होने की खबर के साथ ही ये खबर भी आई है कि एलपीजी सिलेंडरों के दाम भी बढ़ गए। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमतों में 2.33 रुपयों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों में सीधे 48 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 493.55 रुपए चुकाने होंगे। वहीं बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के लिए आपको 698.50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। किन शहरों में क्या होंगे दाम 1 जून से सब्सिडी वाले सिलेंडर? दिल्ली में 493.55, कोलकाता में 496.65, मुंबई 491.31 और चेन्नई में 481.84 रुपए में उपलब्ध होंगे। इससे पहले दिल्ली में सब्सिडी वाले प्रति सिलेंडर के लिए 491.21 दाम चुकाने थे। उसी क्रम में सब्सिडी वाले सिलेंडरों के कोलकाता में 494.23, मुंबई 488.94 और चेन्नई में 479.42 रुपए थे। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमत पर नजर डालें तो दिल्ली में इसकी कीमतें 698.50 रुपए, कोलकाता में 723.50 रुपए, मुंबई में 671.50 रुपए और चेन्नई में 712.50 रुपए हो गई हैं। इसके अलावा होटल और रेस्तराओं को भी सिलेंडर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब उन्हें 77 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। अब इनकी कीमत 1244.50 रुपए महंगा हो गया है। देश भर में ये नई कीमतें 1 जून से लागू हो जाएंगी।